स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होने के कारण ये जो पार्ट होगा ये नेगेटिव होगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव पार्ट। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन, इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन। सो जो रिएक्शन है, रिएक्शन डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करती है? जितने आर ग्रुप्स लगे होते हैं कार्बन के साथ, जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे होंगे कार्बन के साथ, आर ग्रुप दैट मीन अल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा आर ग्रुप्स लगे होंगे कार्बन के साथ उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। कैसे? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, एक आर ग्रुप लगा है, तो आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई हो रहा है, कम हो रहा है। तो हर एक एटम यही चाहता है कि वो न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना आए। तो अगर ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप इसका ये चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर हाइड्रोजन को हटाकर एक और आर ग्रुप लगाया जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो ज़्यादा अपने जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगर तीनों हाइड्रोजन को हटाकर तीन आर ग्रुप लग गए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे कार्बन पे, और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम वो कह सकते हैं जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी लेस स्टेबल होते हैं टर्शरी पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी सबसे कम होंगे, सबसे ज़्यादा टर्शरी होंगे। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन फॉर्म करेगा? टर्शरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म करेंगे। सो इसका ये मतलब है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे उनकी इस तरह की रिएक्शन में जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उनमें उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है जी। तो पिछले जो हमने क्लीवेज की थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज में हमने देखा था कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्शरी, बट इन दिस केस टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। तो लेट्स डिस्कस रिएक्शन ऑफ सी ओ ओ एच बॉन्ड। ठीक है जी। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमने डिस्कस करनी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। सो रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी शो करते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जो हमने क्लीवेज देखनी है, क्लीवेज में अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मीन कार्बन पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं? HX आर हाइड्रोजन हैलाइड्स, X इज हैलोजन। तो X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के साथ जनरली हम रिएक्शन डिस्कस नहीं करते क्योंकि जो H और F का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा जो कार्बोकेटाइन है उस पर, और ऑल्सो डिपेंड अपॉन दिस हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हो सकते हैं? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ऑर्डर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कार्बोकेटाइन का, प्राइमरी हो सकता है कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्शरी। दैट मीन प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है और टर्शरी। तो जो इसकी रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड। तो
तो ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। जो आयोडीन और हाइड्रोजन और आयोडाइड का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा लेंथ में बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एच आई का बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा। तो एच आई में से जो आयोडीन है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एज कम्पेयर टू बी आर नेगेटिव और सी एल नेगेटिव। तो वन बाय वन इनकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अगर हमने एच सी एल के साथ रिएक्शन करवानी है तो एच सी एल के साथ हम चेक करेंगे कि हम प्राइमरी की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कंडीशन लेनी होगी, सेकेंडरी की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, टर्शरी की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। लेट्स डिस्कस रिएक्शन। सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स तो दे फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स एंड वाटर। तो एच एक्स में एच पॉजिटिव है, ओ एच इसमें आर ओ एच में अल्कोहल में ओ एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ आएगा, अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लूँ, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन मैं एच सी एल के साथ करवाऊँ तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। प्राइमरी अल्कोहल्स जो कम रिएक्टिव होते हैं, एच सी एल इज़ ऑल्सो लेस रिएक्टिव, तो इसके लिए हमें सल्यूशन को हीट करना पड़ेगा और रिएक्शन जो है उसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमें दो कंडीशन देनी पड़ रही हैं। एक इज वन इज़ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड वन इज़ हमें हीट देनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लें, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाएं, तो सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम सिर्फ इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ही कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, विदाउट हीटिंग ये रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या फॉर्म होगा, दिस वन दैट इज 2-chloropropane। सिमिलरली अगर हम टर्शरी अल्कोहल लें, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएं, तो टर्शरी अल्कोहल तो कार्बोकैटायन जो होते हैं वो बेटर फॉर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, हमें कोई कैटालिस्ट कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो टर्शरी हैलाइड फॉर्म होगा। तो अब हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात की है। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन HCl की जगह HBr के साथ करवाएं, तो हमने जनरली प्राइमरी अल्कोहल डिस्कस करने, अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, तो इस रिएक्शन को हीट रिफ्लक्सिंग करवाते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे हम एच आई कंसिडर करें, हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव होता है, और यहाँ पे हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस, और इस रिएक्शन को हम 423 केल्विन पे हीट करते हैं, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर देगा एल्केन में, कोई हैलाइड नहीं फॉर्म होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से इसने अल्कोहल को डायरेक्ट ही रिड्यूस कर दिया एल्केन में, और साइड प्रोडक्ट इज आयोडीन एंड वाटर। तो अभी जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, मैकेनिज्म हम प्राइमरी अल्कोहल भी ले रहे हैं, सेकेंडरी भी ले रहे हैं और टर्शरी भी ले रहे हैं, तो प्राइमरी हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं, सेकेंडरी हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं और टर्शरी हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, हम सॉरी जो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म
जनरली डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल पे। तो जब हमने हेलोअल्केन और हेलोरीन्स पढ़ा था, तो हेलोअल्केन और हेलोरीन्स में डिस्कस किया था कि दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती हैं, एक वन इज़ SN1 और सेकेंड वन इज़ SN2। तो SN1 थी जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन थी, SN2 इज़ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन थी। तो SN1 में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते थे, इसलिए हमने बोला था कि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। SN2 में हम चेक करते थे हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस प्राइमरी में कम होती है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था। तो दैट मीन SN1 रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल, अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है जी, क्योंकि SN1 और SN2 में यही स्टेबिलिटी ऑर्डर था। तो जितनी ज़्यादा रिएक्शन में इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन थी, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तभी रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी अल्कोहल का। SN2 में हम हिंड्रेंस देखते थे अटैक, तो अटैक करने के लिए कम से कम R ग्रुप चाहिए, तो कम से कम R ग्रुप होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, तो इसका ऑर्डर ये हो गया। तो अगर टर्शरी अल्कोहल होगा वो SN1 पाथवे फॉलो करेगा, अगर प्राइमरी होगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, सेकेंडरी के लिए क्या कंडीशन होगी, और टर्शरी के लिए क्या कंडीशन होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स।